वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। दोस्तों, रामबो दिरेनी की अपकमिंग फिल्म यानी कि डबल स्मार्ट शंकर का टीजर जो है रिलीज हो चुका है। ये फिल्म साल 2019 में आई फिल्म स्मार्ट शंकर का जो है सीक्वल होने जा रहा है, जिसका आज 1 मिनट 26 सेकंड के आसपास का जो है टीजर रिलीज किया गया है। पहला पार्ट जो है केवल तेलुगु भाषा में रिलीज हुआ था, पर इस फिल्म को जो है पैन इंडिया रिलीज करवाया जाने वाला है, इसलिए आज जो है इसके टीजर को हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज किया गया है। और अगर बात करें टीजर की, तो ऑनेस्टली टीजर मुझे कुछ खास लगा नहीं, या फिर कहे कि टीजर के अंदर 1 मिनट 26 सेकंड लंबा टीजर है, टीजर के अंदर ऐसा कुछ एक्स फैक्टर जो है फील नहीं हुआ। अगर फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो देखिए फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं था कि सही में इस फिल्म का सीक्वल सही में बनाया जाएगा। हालांकि स्कोप छोड़ा गया था, पर बनेगा ऐसा मुझे पर्सनली लगा नहीं था कभी। बाद में पूरी जगन्नाथ की फिल्में जो है फ्लॉप हो गई, उसके बाद एक फिल्म जो थी वो फ्लोर पे उतरने से पहले ही बंद हो गई बजट इश्यूज के कारण। अब उस कारण से हो सकता है कि शायद पूरी जगन्नाथ के पास यही एक चारा था कि मानो स्मार्ट शंकर जो कि एक हिट फिल्म थी, उसी फिल्म को जो है आगे बढ़ाया जाए, तो एटलीस्ट उनकी एक फिल्म का एक प्री बज हो रिलीज से पहले। तो इसीलिए जो है शायद उन्होंने इस फिल्म को बनाने की कोशिश की है। अब देखिए, पहला पार्ट जो था उसके हिट होने के कुछ कारणों की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला कारण था उसके गाने, जो कि काफी अच्छे और सुपरहिट गाने थे। भले ही मैंने उस फिल्म को थिएटर में देखने के बाद आज तक कभी भी ना देखा हो, पर उसके गाने कभी कभी आज भी मैं जो है सुना करता हूं, तो गाने अच्छे थे। एट द सेम टाइम राम पोदिनेनी का जो कैरेक्टर था वो काफी डिफरेंट था उनकी बाकी फिल्मों से। वो स्लैंग, वो डायलॉग डिलीवरी का तरीका, उसमें जो गालियों का इस्तेमाल वगैरह जो भी किया गया था, उन सभी के कारण वो फिल्म जो है एक वन टाइम वॉचेबल टाइम पास फिल्म बनती है। पर उन सभी चीजों को मेरे हिसाब से एक ही बार देखने में जो है अच्छा लगता है। और देखिए, पूरी जगन्नाथ की जितनी भी हिट या फिर कुछ फ्लॉप फिल्मों के भी अगर कैरेक्टर्स उठा के देखोगे, तो फिल्म रिलीज होने के काफी सालों बाद भी जो है उन कैरेक्टर्स को आज भी याद किया जाता है। चाहे बात करें बिजनेसमैन की, टेम्पर की, चाहे बात करें पोकरी की, इवन उनकी फ्लॉप फिल्म में नैनीते की भी जो है बात की जाती है। इवन गोलीमार फिल्म को भी उठाकर देखोगे, तो उसकी भी आज भी काफी जगहों पर चर्चा होती है, उसके वार्निंग सीन्स की जो है चर्चा होती है, डायलॉग्स की चर्चा होती है। पर स्मार्ट शंकर के इस कैरेक्टर के ऊपर इन 5 सालों के अंदर कुछ खास चर्चा हुई हो सोशल मीडिया पर, ऐसा मैंने कहीं पर देखा नहीं है। तो उस कैरेक्टर की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, ये कह पाना भी जो है यहाँ से काफी मुश्किल हो जाता है। अब दूसरी चीज, जब ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज हो रही है, और देखिए जो चीजें फर्स्ट टाइम देखने पर मजा आ रहा था, वो उन चीजों का मजा केवल तेलुगु वर्जन में ही आता, हिंदी में डब होने के बाद उनका कोई मजा नहीं रहता है। क्योंकि कारण एक ही है कि वो जो स्लैंग वहां पर यूज हो रहा है, उसी के कारण जो है वो डायलॉग्स जो है अच्छे लग रहे हैं, फनी लग रहे हैं, या फिर इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। क्योंकि उन वर्ड्स को जोड़ने के बाद वो डायलॉग जिस तरीके से साउंड करता है, उसे जिस तरीके से बोला जाता है, वो कुल मिलाकर जो है एक इंपैक्ट क्रिएट करता है। अगर उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश की जाएगी, तो हिंदी वर्ड्स जो यूज किए जाएंगे, तो वो उस तरीके से एक साथ जो है साउंड बिल्कुल नहीं करेंगे। टीजर लेवल पर ही उठाकर देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, सीक्वल आ रहा है, तो होता अक्सर ऐसा है कि किसी सक्सेसफुल फिल्म का सीक्वल आता है तो उसका स्केल जो है काफी बड़ा नजर आता है, प्रोडक्शन वैल्यू काफी सॉलिड नजर आती है, पर ऐसा कुछ भी जो है इस टीजर पे नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत ही छोटा सा टीजर है, इस लेवल पर बहुत कुछ जो है जज करना सही नहीं होता है, पर फिर भी विजुअली ऐसा कुछ बहुत इंप्रेसिव जो है नजर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं। ओवरऑल वैसे तो मेरी कोई पर्सनली बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस फिल्म से, पर पूरी जगन्नाथ की फिल्में ऐसी ही होती हैं, उनकी फिल्मों से वैसे हमेशा से ही जो है रिलीज से पहले काफी जो है एक्सपेक्टेशंस लो ही रहती है, फिर फिल्म अच्छी निकल जाती है तो चल जाती है।